नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए कीटो रेसिपी कोई नहीं, कीटो के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज लेके आई हूँ। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने मुझे कहा कि आखिर आप ये कीटो डाइट करवाते हो, इसका क्या क्या बेनिफिट है, और इसकी सारी जो डिटेल है वो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को इंडिविजुअली शेयर करने की जगह इस पर मैं एक वीडियो ही बना दूँ कि कीटो डाइट होती क्या है, इसकी सारी डिटेल कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और आपको इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और आपको इसे कब करना चाहिए, कब आपको रियलाइज हो कि आपको कीटो डाइट अगर आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सब की पूरी डिटेल नॉलेज मैं आपको दूंगी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं वीडियो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को फटाफट शुरू करते इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी कीटो हेल्दी रेसिपी जो है और वेट लॉस रेसिपी मैं हमेशा ही लेके आती रहूँगी। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कीटो डाइट की शुरुआत कहाँ से हुई। तो 1910 या 20 के अराउंड में जो मिर्गी पेशेंट होते थे उन्हें फास्ट रखाया गया, तो उनकी ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गई और उनके जो मिर्गी के दौरे आने थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए। लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम तक फास्ट पे नहीं रखा जा सकता था, इसलिए कुछ उन्हें ऐसी डाइट की ज़रूरत थी कि जिससे उनकी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाए और उनका वेट भी ना बढ़े और उन्हें काफ़ी रिलीफ फील होगा, जो ब्रेथ जैसी कंडीशन होती है वो हो और बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट जो हो वो भी पूरी हो जाए। तो उन्हें कुछ ऐसी डाइट की ज़रूरत थी, तो डॉक्टरों ने बहुत खोज के बाद उन्हें प्रोटीन और फैट वाली डाइट दी और उसमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर काफ़ी हद तक बंद कर दिया। जब उन्हें काफ़ी टाइम तक फास्ट पे रखा गया और उन्हें केवल हाई प्रोटीन और विटामिन्स वाली डाइट दी गई, तो उनका जो मिर्गी का दौरा आना था वो काफ़ी कम हो गया और बॉडी उनकी काफ़ी हेल्दी फील होने लगी और उनका वेट लॉस होने लगा और बॉडी की जो बाकी प्रॉब्लम थी वो भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगी। तो डॉक्टरों को ये गलती से पता चल गया कि ये डाइट की जो साइड इफ़ेक्ट है वो फ़ायदे के रूप में डॉक्टर को पता चला कि ये डाइट का जो हमको लगा कि साइड इफ़ेक्ट है लेकिन वो फ़ायदे के रूप में ट्रीट होने लगा और बॉडी हमारी कीटोसिस जोन में चली गई और बॉडी की सारी जो न्यूट्रिटिव चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होने लगी। ये डाइट केवल वेट लॉस नहीं करता था, ये डाइट बॉडी को अंदर से हील करता था कि बॉडी की बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होने लगी और अंदर से कमजोरी जैसी जिसको फील होती थी कि अंदर से उनको लो एनर्जी फील होती थी वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, जिसे डायबिटीज की प्रॉब्लम थी वो भी सॉर्ट आउट हो गई। तो डॉक्टरों को ये पता चले कि इस डाइट के जो वो नुकसान समझ रहे थे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेके आए, तो उस समय तक ये डाइट को वेट लॉस डाइट कही जाने लगी कि ये जो डाइट है कीटो डाइट जो है वो वेट लॉस डाइट है। मैंने आपको ये बताया कि कीटो डाइट शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन कीटो डाइट वर्क कैसे करता है अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि कीटो डाइट एक्चुअल में हमारी बॉडी पर वर्क कैसे करता है। पुराने ज़माने में जब क्या होता था कि हमें खाने की ज़रूरत होती थी तो कहते थे कि कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें आप खाइए, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। जब किसी को चक्कर आता है या उन्हें बहुत वीकनेस फील होती है तो उन्हें ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है कि उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। इसका सीधा सा फंडा ये होता है कि जब हमको इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम ग्लूकोज से एनर्जी लेते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो हमारी बॉडी तुरंत इंस्टेंट एब्जॉर्ब कर लेती है, कि उससे एनर्जी खींचने वाला जो काम है वो तुरंत कर लेती है। तो बॉडी को वो चीज़ की आदत होती है, जो चीज़ हमें आसानी से मिलती है हम सबसे पहले उसे ही लेते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट बॉडी में डालते हैं तो सबसे पहले एनर्जी लेने का काम हमारा कार्बोहाइड्रेट करता है, क्योंकि उसमें से हमें ग्लूकोज और ग्लाइकोजन ये दोनों फॉर्म में एनर्जी हम तुरंत ले लेते हैं, तो इससे हमें एनर्जी तुरंत मिलती है। कीटो डाइट में क्या किया जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट की इंटेक है और जो शुगर की इंटेक है वो एकदम रिड्यूस कर दी जाती है, अप्रॉक्सीमेट 5% कर दी जाती है। पुराने ज़माने का कल्चर जो फूड पिरामिड होता था उसमें जो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता था वो 40% कार्बोहाइड्रेट का रखा जाता था, फिर 30% आपको उसमें प्रोटीन रखा जाता था, बाकी जो पिरामिड होते थे उसमें
प्रोटीन, विटामिन्स और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो रखी जाती थी, लेकिन कीटो डाइट में जस्ट इसका अपोजिट किया जाता है। हमको जो एनर्जी लेने का काम करना होता है वो 70% हमें फैट से करना होता है, 25% जो होता है वो हमें प्रोटीन से करना होता है, और 5% जो वो हमें कार्बोहाइड्रेट, वो भी आप जितना कम लेना चाहें उतना कम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से करना होता है। कीटो डाइट में क्या होता है कि जब हम कीटो डाइट शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी कीटोसिस जोन में चली जाती है। ये 3 to 3 weeks भी लग सकता है, जिसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छा है उसको 3 days में ही उसकी बॉडी कीटोसिस जोन में चली जाती है, और किसी किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है तो उसे मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सके, लेकिन ये बॉडी कीटोसिस जोन में जाएगी ही जाएगी और आपका जो वेट है वो रिड्यूस होगा ही होगा। और ये जो डाइट है वेट लॉस डाइट की तरह यूज की जाती है, क्योंकि इसके वेट लॉस के साथ साथ आपको बहुत सारे जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है। जब आप कीटो डाइट स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के वीक में आपका वेट बहुत फास्ट रिड्यूस होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपका वेट धीरे धीरे रिड्यूस होगा। स्टार्टिंग का टाइम फास्ट इसलिए होता है क्योंकि बॉडी के जो ग्लाइकोजन और वाटर होते हैं वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, और आपको इंस्टेंट लगेगा कि आपका 5 kg के अराउंड में या 5 to 10 kg के अराउंड में आपका वेट जो है वो इंस्टेंट घट जाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा कि आपके वेट को घटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वेट आपका घटता ही घटता है। लेकिन ये मत सोचिए कि आपका वेट बहुत ज़्यादा घट जाएगा और आप एकदम से वो, ऐसा नहीं होता है। आप ये कहिए कि आपका वेट घटेगा लेकिन आपकी बॉडी के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग में घटेगा। नॉर्मल लाइफ में जब हम रूटीन डाइट लेते हैं तो आपको कोई भी डॉक्टर क्या कहेगा कि आप स्प्राउट लीजिए, ब्राउन राइस लीजिए, लेकिन ये जो कल्चर है कि आप सोचिए कि स्प्राउट और ब्राउन राइस से आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रूटीन लाइफ में हम इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं कि हमारी बॉडी को आसानी से एनर्जी लेने की आदत जो हो जाती है वो कार्बोहाइड्रेट से हो जाती है, और हम बहुत कम मात्रा में भी ऑयल लेते हैं लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में फैट जो है वो स्टोर होता रहता है और एक लेयर बनती जाती है, क्योंकि हम फैट का यूज ही नहीं कर पा रहे, हमारी बॉडी उस फैट को वो कंज्यूम ही नहीं कर पा रही है। कीटो डाइट में जस्ट इसका अपोजिट किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा एकदम कम कर दी जाती है, ताकि आपकी बॉडी को फोर्सफुली इस जोन से दूसरे जोन में ले जाया जा सके और वो ज़बरदस्ती फैट से एनर्जी लेने का काम शुरू कर सके। लेकिन जब बॉडी को कोई चीज़ ज़बरदस्ती करवाई जा रही है तो आपको 1 to 2 weeks लग सकते हैं कि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, लेकिन इसके कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसे मेज़र नहीं होते हैं कि आपको ऐसा लगे कि आपको एकदम एनर्जी नहीं मिल रही है, क्योंकि एनर्जी लेने का काम वो फैट करने लगता है, और धीरे धीरे बॉडी जब कीटोसिस में पहुंच जाती है तो ये एनर्जी फैट के द्वारा ली जाने लगती है, और जैसे ही फैट से एनर्जी लेना शुरू करती है बॉडी, आपकी बॉडी का वेट तुरंत कम होने लगता है और बॉडी के बहुत सारे आपको बेनिफिट इसमें देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको अब एक एक करके ये बताती हूँ कि कीटो डाइट की क्या क्या बेनिफिट है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बीच में ये ज़रूर बता दूं कि कीटो डाइट आप किसी भी एक्सपर्ट के सलाह से ही करें, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी जानकारी के साथ कीटो डाइट करते हैं तो वो आपके लिए उतना ही हार्मफुल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट बताती हूँ कि इसके कीटो डाइट के क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट जो होता है कीटो डाइट का, वो आपका वेट रिड्यूस होता है, क्योंकि इंस्टेंट आपकी बॉडी में एनर्जी लेने का काम फैट से होने लगता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का इंटेक एकदम कम हो जाता है, तो इंस्टेंट एनर्जी लेने का काम जब फैट से होता है तो आपका वेट जो है वो सडन रिड्यूस होने लगता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपकी मानसिक एकाग्रता जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जो आपकी पावर है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसका तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिर्गी के रोगों में हो जाता है, क्योंकि मिर्गी के जो दौरे आते हैं
कीटो डाइट में जब कीटोसिस जोन में बॉडी चली जाती है तो मिर्गी के दौरे आने बहुत कम हो जाते हैं। इसका चौथा बेनिफिट कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड प्रेशर को कम करने में यूज किया जाता है कि जब भी आप कीटो डाइट शुरू करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो काफ़ी बैलेंस हो जाता है और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल में हो जाता है, क्योंकि बॉडी के जो मसल्स होते हैं उसमें एक्स्ट्रा जो फैट होती है वो कंज्यूम होना शुरू हो जाती है, तो ब्लड को फ्लो होने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाती है, तो आपके ब्लड प्रेशर की भी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है। इसका एक और बड़ा बेनिफिट है कि शुगर के पेशेंट को इसमें काफ़ी रिलीफ होता है, इंसुलिन के लेवल को ये कम करने में हेल्प करता है और बहुत ज़्यादा ये शुगर को कंट्रोल भी करता है। इसके अलावा एक और बड़ा बेनिफिट है कीटो डाइट में कि आपकी स्किन की जो गंदगी है वो सारी निकल जाती है। अगर आपको मुहासों की और स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है, आपके जो हेयर लॉस हो रहे हैं वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। इनफैक्ट आप जनरली देखेंगे कि वेट रिड्यूस करने के बाद स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगती है, लेकिन अगर आप कीटो डाइट से वेट रिड्यूस करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो और ज़्यादा ग्लो करने लगती है। एक बार अगर आपकी बॉडी कीटोसिस जोन में चली जाती है तो आपकी बॉडी को इसकी आदत हो जाती है और आपको भूख लगना भी कम हो जाएगी और एनर्जी लेने वाला जो काम है वो बॉडी आपकी सीख जाएगी कि कैसे फैट से ही एनर्जी ली जाती है। अब बात करते हैं कि कीटोसिस डाइट की नुकसान क्या है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर आप कीटोसिस डाइट किसी एक्सपर्ट के सजेशन पे और सही वे में करें तो आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा, और आप अगर इसमें कोई भी लापरवाही करेंगे तभी आपको नुकसान होता है और आपको बहुत सारे इसमें मिथ मिलेंगे कि कीटो डाइट्स की वजह से ऐसा होता है वैसा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप कीटो डाइट एक्सपर्ट की सलाह से और सही तरीके से करेंगे तो आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें आपको हो सकता है कि कब्ज की प्रॉब्लम हो और आपको लगे कि कॉन्स्टिपेशन हो, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आप अपनी बॉडी में पानी का इंटेक जो है वो कम कर दिए हैं। कीटो डाइट में आपको जितना अधिक से अधिक हो सके उतना ज़्यादा आपको पानी लेना चाहिए कि बॉडी में जो भी गंदगी है वो फ्लश आउट होती रहे। इसलिए और कीटो डाइट थोड़ी सी गर्म होती है, इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि कीटो डाइट में आपको पानी का इंटेक ज़्यादा लेना है। इसके अलावा आपके मसल्स में थोड़े बहुत पेन हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ये भी प्रॉब्लम जो है वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है। ये धीरे धीरे करके आपकी बॉडी उस जोन में चली जाती है तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। होपफुली गाइस आपको कीटो के बारे में जो भी डाउट होगी वो क्लियर हो गई होगी कि कीटो क्या चीज होता है और कीटो डाइट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप इसे सही वे में और एक्सपर्ट की सलाह से नहीं करेंगे तो इसके आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कीटो डाइट में क्या क्या खाना चाहिए, इसके नॉलेज मैं बहुत सारे अपनी वीडियो में छोटे छोटे फॉर्म में करती रहती हूँ। सीधी सी बात है कि इसको मैं आपको समराइज करके एक लाइन में बता दूं कि कीटो डाइट में आपको हाई फैट डाइट हाई प्रोटीन डाइट खानी चाहिए और उसमें कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो बहुत कम होनी चाहिए। आपको कीटो की सारी जानकारी मिल गई होगी कि कीटो डाइट के क्या क्या फ़ायदे हैं क्या क्या नुकसान हैं और इसे कैसे करना चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।